नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपपाल। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। वो दिन लद गए जब भारत के टॉप बिजनेस स्कूल के छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश उड़ जाते थे। अब लगातार मजबूत होती भारतीय अर्थव्यवस्था छात्रों को सारी सहूलियतें यही दे रही है। उनका कहना है कि जिन चीजों के लिए लोग विदेश भागते थे, अब वो तमाम चीजें अपने ही देश में मिल रही हैं, तो फिर देश कोई क्यों छोड़े। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वी सुब्रमण्यम को आईएसबी 2007 बैच का टॉपर घोषित किया गया। सुब्रमण्यम को विदेश में काम करने के लिए ढेरों ऑफर मिले, लेकिन सुब्रमण्यम को भारत में ही काम करना पसंद है। India is slated to grow at 9% for the next 10-15 years, and with the growth story being in India, the kind of experience and exposure that you get, the opportunities that you get to grow personally as well as professionally is much more in India than any other developed economy. So India is pretty much the place to be here, and it's not surprising that people want to join Indian multinationals. कुछ ऐसे ही ख्याल आईएसबी के दूसरे छात्रों के भी हैं। उनका कहना है कि जब उतनी ही तनख्वाह और वैसा ही माहौल भारत में है, तो विदेश जाने की जरूरत ही क्या है। हमारा देश बहुत आगे निकल रहा है, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, एंड इंडियन मल्टीनेशनल्स आर कमिंग अप, जिसकी वजह से पीपल काम नहीं करना चाहते हैं बाहर की मल्टीनेशनल्स में। हिंदुस्तान में काम करके आपको ये एहसास हमेशा होता रहेगा कि आप अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने देश के ग्रोथ में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम में। मुझे लगता है इंडिया में हमेशा लोग, इंडिया के लोग इंडिया में रहना चाहते थे, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। अभी ग्रोथ फेज है इंडिया का और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेंग सिंह अहलुवालिया भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं। यू आर फॉर्चुनेट इन दैट यू कैन हैव दैट ग्लोबल एक्सपीरियंस बाय ईदर वर्किंग फॉर अ फॉरेन मल्टीनेशनल और एन इंडियन मल्टीनेशनल, एंड मेनी मोर ऑफ यू देन इन द पास्ट विल इन फैक्ट बी वर्किंग फॉर व्हाट आर इंडियन मल्टीनेशनल्स। इस साल पास हुए 416 छात्रों में से 28 छात्रों को आईएसबी मेरिट स्कॉलरशिप भी दी गई, जिनमें से 20 छात्रों को 2-2 लाख और बाकी 8 छात्रों को 1.5 लाख रुपए दिए गए। शेख अहमद अली, हैदराबाद। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।